doing some question answer round with sir in the audience. We have Suyog there. For any question, please raise your hand. Suyog, you can talk to sir. अरे यार रुको रुको हेलो नमस्ते गणपति बाप्पा शू पूर्ण नाव सांग मराठी एकदा पहिल्यांदा मस्त पैकी कॉलेजचे इव्हेंट आहे आपण याला बिग बॉस करून दाखवू आपल्याला कॉलेजवाले काढतील बिग बॉस स्क्रिप्टेड है का नहीं ये हाँ मैं बता रहा हूँ ये कुछ ही लोग होते हैं जिनकी वजह से लगता है क्योंकि वो एक्ट करते हैं बट मैं दिल से बोल रहा हूँ कि कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है आपको इसीलिए वहां पे लिया जाता है कि आप जैसे हो वैसे परफॉर्म करो पर कोई कोई पहले वाले बिग बॉस देख के जो परफॉर्म करते शायद उनकी वजह से लगता होगा बट कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है ट्रस्ट मी नहीं होता है हाँ जी बोलिए थैंक यू सो मच मी अनिल बागू जी जादू बोला मी तुमचा सीजन टू चा बघितला जी त्याच्यामध्ये नेहाने तुम्हाला बोललं होतं त्यानंतर तुम्हाला म्हणजे नेहा मॅडम बरोबर ती अजूनही प्रेक्षित आहे का फ्रेंडशिप नाही बट आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा हाय बाय होतो आणि मला वाटतं असे लोक आपल्या लाईफमध्ये हवे असतात खूप काही शिकून जातात ते नसले तर मग मजा घ्या ना मूवी में विलन चाहिए तब जाके हिरो बाहर निकलेगा ना थँक्यू हॅलो So my question is, how was your experience in your college life and what difference do you see in now college life and that time? मुझे लगता है कोई चेंज तो नहीं है बस मैं वही बोल रहा हूँ कि यही कहीं मैं पीछे स्टेज के पीछे बैठा रहता था क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना क्लैप करने के लिए ठीक है पर यहाँ पे था कि ग्रुप डांस में भी मैं रहना चाहिए सोलो में भी रहना चाहिए ड्रामा में भी रहना चाहिए प्राइज मिले या ना मिले मुझे पता नहीं पर यहाँ पे जब भी स्टेज मिलता था मैं मुझे पूरा वसूल करता था और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज के इवेंट में ज्यादा मजा आता है अगर कहीं पे और मुझे बुलाते हैं वहाँ पे कमर्शियल वाइज पैसा ज्यादा भी देते हैं वहाँ पे एक मजा नहीं होता है आप लोगों में जो मजा आता है क्योंकि मैं फील सर राम राम बोलो तो मिल जाए मुझे हक करना है सर आपको मैं जाने के पहले हक करके जाऊँ सर प्लीज जाते वक्त हक सर प्लीज हेलो शिवभाई इधर शिव मनोहर उत्तमराव जी गानू जी ठाकरे के लिए आवाज करो पब्लिक एक नंबर हाय आवाज एक नंबर कड़क आवाज रैपर है भाई रैपर आवाज तो भारी रहेगा ना रैपर का आवाज बहुत लंबे तक जाता है Thank you.
रैपर मेरे एक दोस्त भी है पता है ना, एमसी स्टैन। भाई अभी रैपर पे आए तो रैपर याद आया था, पहले रैपर मेरा भाई याद आता है मुझे एमसी। भाई तुम्हारे और स्टैन के दोस्ती के बारे में कुछ बोलो ना एक बार। यार दो भाइयों का प्यार होता है जो मतलब एक मम्मी के नहीं होते, दो अलग अलग आयुओं के होते हैं, बट भाइयों जैसे होते हैं और कोई मतलब नहीं होता है, कोई कास्ट कोई धर्म नहीं, बस इतना होता है फ्रेंडशिप क्या होती है वो मुझे लगता है वो बिग बॉस ने सिखाई हमें, क्योंकि वहाँ पे ना पैसे होते हैं ना प्रोफाइल होता है ना आपका नाम कितना बड़ा है अंदर है बाहर है, तो बिग बॉस में एक बेस्ट चीज है कि आप इंसान कैसे हो और एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ फ्रेंडशिप की है बस। गणपति बाप्पा थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया, लव यू।